उस एक सिंगल लिंक से, उस एक सिंगल वीडियो से 50,000 रुपीस मैंने अर्न यहाँ पर इसलिए। तो एफिलिएट मार्केटिंग ही इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें मुझे जीरो इन्वेस्टमेंट है। Exactly. मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। मैं आपको जाना पड़ रहा है कैश फ्लो वेबसाइट के पास कुछ भी चीज आपको अगर कैश में देना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कैशबैक वेबसाइट आपके पास आए। अगर मुझे कैशबैक आपको देना है, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि भाई कैशबैक मिला आप ले लो। तो आपको लगता है कि पर पोस्ट से ज्यादा आप कॉस्ट पर सेल के लिंक लगा के डिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा पैसे। तो यूजर का बेनिफिट ये होता है कि ब्रांड्स उनके लिए डील्स बनाकर दे रही है, बढ़िया प्रोडक्ट ऑफर कर रही है और प्लस हमें अभी रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। दैट्स सो नाइस। किसी भी बिजनेस में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है एथिकल, बीइंग एथिकल एंड ट्रू टू योर कंज्यूमर और टू योर यूजर। A very warm welcome to the second episode of Mocha Moments by Admitad, and we have a very special guest today. Welcome Nikhil. Nikhil is a young entrepreneur who started his journey at age of 19 aur unhone bahut hi kam umr se apne YouTube Telegram channel se bahut sare paise kamaye. So ab unse sunte hain unki journey ki unhone kahan se start kiya. Ye samay hai 2016-17 ka, this time college days mere chal rahe the. तो उसी टाइम जियो आया, मैंने जियो की सिम ली। तो मैंने भी लाइन में लगा हुआ था नॉर्मली जियो की सिम लेने के लिए। फिर मैंने देखा कि भाई यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह डालनी चाहिए, ये चल ही रहा है मेरा पार्ट टाइम, एक घंटा दो घंटा का मैं यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह डालता हूँ तो शायद मेरे फॉलोअर्स वगैरह इंक्रीज हो जाए। और मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ था जिसमें 1 ईयर में मेरा थोड़ी बहुत ऑडियंस अपनी ग्रो कर ली थी। तो लाइक हम कह सकते हैं 2017 के एंड तक आते आते मैंने काफ़ी अपनी अच्छी ऑडियंस बना ली थी और फिर मुझे स्पॉन्सरशिप्स वगैरह कंपनीज के थ्रू मिलनी स्टार्ट हो गई थी। तो अब स्पॉन्सरशिप्स मिलती थी, वो स्पॉन्सर मुझे स्पॉन्सरशिप्स 2,000 रुपीज़ 3,000 इस टाइप से मिल रही थी। अब मैं भी खुश हो जाता था कि भाई एक वीडियो बनाने के 2,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, मुझे हफ्ते में 2 वीडियोस 3 वीडियोस इजीली मिल रही हैं, तो आराम से मेरे 6,000-7,000 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, मैं और ऐसा पार्ट टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था मुझे। लेकिन फिर मेरे फ्रेंड ने बताया भाई अगर ऑडियंस तुम्हारी अच्छी खासी बन चुकी है तो क्यों ना इसको ठीक तरीके से यूटिलाइज किया जाए, ये 2,000 रुपीस में नहीं रोका जाए। भाई अगर स्पॉन्सरशिप क्लाइंट हमें दे रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही दे रहा होगा, हमसे कुछ ले भी तो रहा होगा। हाँ जी। तो फिर उसने, मेरे फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया एडमिटेड के साथ। मैं फर्स्ट टाइम ही साइन अप अगर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में किया तो एडमिटेड के पास किया। हाँ, और ये एडमिटेड लगभग 2017 या 18 के स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर साइन अप किया था एडमिटेड पर, उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी एंड सेम कैंपेन एडमिटेड पर अवेलेबल था। तो मैंने पेड वीडियो ना बनाने की बजाय एडमिटेड से लिंक निकाली थी कैंपेन की, अपने नॉर्मली यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लगा थी और जैसे मैं नॉर्मली यूट्यूब की वीडियोस वगैरह बनाता हूँ वैसे मैंने डिस्क्राइब किया उसको। उस एक सिंगल लिंक से, उस एक सिंगल वीडियो से 50,000 रुपीस मैंने अर्न यहाँ पर ये सिंगल डे की मेरी अर्निंग बनी 50,000 रुपीस 2018 के स्टार्टिंग में। फिर मैंने देखा भाई अब जब सिंगल वीडियो से 50,000 रुपीस मिल रहे हैं मैं इसको और बूस्ट करता हूँ, मैंने रीपोस्ट किया। फिर 2018 आते आते मैंने सिंपल सिर्फ इसी टाइप से काफ़ी सारे सेल वाले कैंपेन्स चलाए, सिंपल डिस्क्रिप्शन में लिंक्स लगाई और या फिर शॉर्ट्स बनाई, कुछ भी चीज़ें मैंने नॉट छोटी छोटी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। उस टाइम शॉर्ट्स तो आया नहीं था लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट फॉर्मेट कॉन्टेंट में आ गया था कि मैं ये चीज़ बताता हूँ और इस टाइप से मुझे थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाए। अब लेकिन फिर ये था कि भाई एक टाइम तक आते आते मेरी अर्निंग वहीं पर रुक गई थी। अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे भाई 50,000 1 लाख इस टाइप से ही मैं अर्न कर पा रहा था उस टाइम। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा और ग्रो किया जाए, ऐसा क्या चीज़ की जाए कि इसमें हम और ग्रो कर सकते हैं। एडमिटेड के पास काफ़ी सारे टूल्स मैंने वहाँ पर देखे, लाइक पोस्ट बैक हो गया एंड काफ़ी सारी अदर चीज़ें भी मैंने वहाँ पर देखी, कूपन्स हो गए। तो मुझे आइडिया नहीं था कि भाई ये इस टाइप से कैसे वर्क करते हैं, ये मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि पोस्ट बैक काम कैसे करता है। फिर 2019 में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल चालू किया, टेलीग्राम पर भी मैंने यूट्यूब की ऑडियंस ट्रांसफर करी, वहाँ पर भी मैं डील्स वगैरह पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम ये सेंकमो पे ऐसा पति कुछ नहीं था मेरे पास, सिंपल एक यूट्यूब चैनल था, एक टेलीग्राम चैनल था और मैं नॉर्मल जो यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूँ और यूट्यूब की ऑडियंस को टेलीग्राम पर लेकर आ रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ कि भाई ये डील्स आप बाय कर सकते हैं मेरी लिंक से, मैं उनको चीप प्राइस डील्स, बेस्ट डिस्काउंट डील्स वगैरह प्रोवाइड करता था। फिर धीरे धीरे मुझे आइडिया हुआ कि कूपन्स आते हैं, फिर और भी चीज़ें आती हैं, फिर कुछ कैंपेन्स ऐसे आए थे। ये तो हो गए सेल वाले कैंपेन्स, मैंने सेल वाले कैंपेन्स नॉर्मल डील्स वगैरह से तो प्रमोट करने लगे, लेकिन कुछ अदर सीपीए कैंपेन्स, सीपीएल कैंपेन्स
पर भी मेरा फोकस गया, आपकी टीम से भी मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, मेरे मैनेजर असाइंड हुए, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप साइन अप वाले कैंपेन्स प्रमोट कर सकते हैं। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कैंपेन्स, ई कॉम हो गए, BFSI हो गए, तो अब मैंने वो कैंपेन्स डाला मैंने एक बार अपने चैनल पर, लेकिन इतनी अच्छी एंगेजमेंट मुझे नहीं मिली उसकी, ठीक है। मैंने सेल वाले भी डाले तो इतनी ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अगर मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट की, अमेज़न की, इसके यूजर इजिली, क्योंकि बिग ब्रांड्स बन चुकी हैं तो इसीलिए यूजर इस पर इजिली ट्रस्ट कर लेता है, लेकिन जो छोटी छोटी ब्रांड्स थी जो अभी न्यू आ रही थी, लेकिन उनके पे आउट काफी ज्यादा हाई थे, जिसमें हम अच्छा खासा रेवेन्यू अपना जनरेट कर सकते थे और यूजर को भी बता सकते थे कि भाई ये कुछ ब्रांड्स आई हुए हैं, काफी पॉपुलर बन सकती है आने वाले टाइम में, काफी बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं इनके भी। तो दोनों साइड से अगर हम देखें तो यूजर का बेनिफिट ये होता है कि ब्रांड्स उनके लिए डील्स बनाकर दे रही हैं, बढ़िया प्रोडक्ट ऑफर कर रही है और प्लस हमें अभी रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, लेकिन उसमें एक कनेक्शन ये नहीं बन रहा था कि यूजर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था कि यूजर ट्रस्ट कैसे करेगा उस चीज पर। तो फिर हमने इंट्रोड्यूस किया, मेरे भाई ने, मेरा छोटा भाई है, तो उसने और मुझे, हम दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी चीज बनाए कि जिससे कि सभी, सिर्फ मैं ही नहीं, अदर पब्लिशर्स के साथ भी हम काम कर सके, जितने अदर पब्लिशर्स वगैरह और हैं उनको भी अपने और यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल्स, इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ एड ऑन करें, प्लस साथ ही साथ अपनी इंक्रीज भी करें अर्निंग को। तो हमने एक अपना सेंगबो की वेबसाइट स्टार्ट करी फिर, लेकिन जब वेबसाइट स्टार्ट करी काफी ज्यादा उसमें इश्यूज आने लग गए हमें कि हमें समझ नहीं आ रहा था कैसे वर्क करेगी। मेरा बैकग्राउंड में बीटेक करी हुई सिविल इंजीनियरिंग से, मेरा इस फील्ड में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं कहाँ से आ गया, मुझे मैंने 2017 में कंप्लीट किया और इस फील्ड में मैं कहाँ से आ गया मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ऐसे ही मेरा जो भाई है उसने सीए करी हुई है, लेकिन वो सीए होकर भी ये कहाँ से इसमें आ गया तो उसको भी कुछ आइडिया नहीं है, हम दोनों के लिए बिल्कुल अलग फील्ड था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है निखिल, जैसे आपने बताया कि आप एक साइड हसल की तरह ये स्टार्ट कर रहे थे, पर आपको कब लगा कि ये साइड हसल को मैं मेन अपना बिजनेस बना लेता हूँ? कितनी अर्निंग्स आपने करी कि आपको लगा कि हाँ ये अर्निंग्स, जैसे आपने 6 digits में अर्न करना शुरू करा मंथली, तो अब आपको लगा कि अब हम मेन हसल बना लेते हैं इसे? मेन चीज ये था, जब 2019 की बात आई थी, 2019 में मैंने सोचा, तो मेरे भाई ने और मैंने एक सोचा कि एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट की होस्टिंग के लिए मैं पैसे नहीं खर्च कर पा रहा था कि मुझे होस्टिंग ले भी चलेगी कि नहीं चलेगी। उस टाइम होस्टिंग अब मैंने सबसे चीपेस्ट प्राइस 105 rupees की थी, मैंने कही कि 105 rupees में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। हमने आंख बंद करके ले ली उसको 105 rupees को, होस्टिंग को। फिर जैसे ही ले ली उसके बाद हमने सोची कि अब सोचेंगे कि कैसे क्या बनाना है, लेकिन ये आइडिया हो गया था कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग में स्कोप है, हमने ये आइडिया हो गया था कि स्कोप है और यहाँ से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जहाँ हम अभी 30,000-50,000 पर अटके हुए हैं, इससे ऊपर ग्रो तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। तो आपको लगता है कि पर पोस्ट से ज्यादा आप कॉस्ट पर सेल के लिंक लगा के डिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? वो इजीली हम जहाँ मुझे पेड पोस्ट या कुछ भी मैं पेड मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे 2,000-3,000 rupees मिल रहे हैं, वहीं अगर मैं अपनी एक एफिलिएट लिंक लगा रहा हूँ तो एफिलिएट लिंक की अर्निंग्स मुझे बहुत ज्यादा मिल रही है, उसका आप कह सकते हैं 10-20x मुझे इजीली मिल जाएगा और वो एक कंसिस्टेंट अर्निंग हो जाती है, राइट? आपको बार बार ही ब्रांड के पास नहीं जाना या फिर कोई नेटवर्क के पास नहीं जाना, आपने एक बार लिंक लगा लिया, जैसे आपने एडमिटाड का लिंक लगाया और आप उससे हमेशा अर्न करते रहेंगे जब तक वो कैंपेन लाइव रहेगा। मेन चीज इसमें ये आता है कि अगर मैं किसी ब्रांड का लिंक लगा रहा हूँ तो ब्रांड को ये दिखता है कि भाई कि ये जो पब्लिशर है या ये जो इन्फ्लुएंसर है ये मुझे रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, मेरी सेल यहाँ पर कर रहा है, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो उसको इससे बढ़िया बढ़िया डील्स बना कर दे और पे आउट अच्छा ऑफर करे, साथ ही साथ उसको यूजर मिले, ऑब्वियसली यूजर मिले उसको, तो उसके दोनों तरफ से बेनिफिट मिल जाता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग सबसे बेस्ट रहती है एज कम्पेयर टू पेड पोस्ट वगैरह अगर हम करते हैं, तो उसमें रेवेन्यू हमारा काफी अच्छा जनरेट हो जाता है इजिली। ये बहुत ही अच्छा लगा जान के, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स और टेलीग्रामर्स को लगता है कि नहीं हमें फिक्स कॉस्ट ही मिलना चाहिए, हमें सेल पे नहीं करना चाहिए, पर आई थिंक वो कंसिस्टेंट अर्निंग और वो जो लिंक से हम बहुत सारे प्रमोट करके पैसे कमा सकते हैं जैसे कि आप कमा रहे हो, वो बहुत ही एक्साइटिंग हो सकता है। अब इसके बाद अगर मैं एक और आपको बताऊं, इसमें एक और चीज ऐड ऑन करूं, तो अभी मैं सिर्फ CPS कैंपेन्स प्रमोट कर रहा था, लेकिन CPS में वही जैसा कि मैंने आपको बताया था 30,000-50,000-50,000-60,000 यही बन रहा था मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, कैसे इसको मैं ग्रो करूं, तो काफी सारे और कैंपेन्स आए, BFSI के आए, क्रेडिट कार्ड्स के आए, सबसे ज्यादा जो अभी हाई डिमांडिंग में अगर मैं अभी की प्रेजेंट की आपको बताऊं तो क्रेडिट कार्ड फाइनेंस इस टाइम बूस्ट कर रहा है। Very nice. तो
क्योंकि एक तो पे आउट अच्छा है, यूजर को क्रेडिट कार्ड्स की नीड है, यूजर को अभी आइडिया नहीं है कि क्रेडिट कार्ड्स वगैरह क्या चीज होती है, तो इस टाइम हम अब लेकिन मेन चीज ये है कि यूजर क्यों लेगा भाई उस बैंक का क्रेडिट कार्ड, या अगर मैं सीपीएस पर भी कर रहा हूँ तो आप उसके पूरे फीचर्स बताते हैं डिस्क्रिप्शन में, है ना, लेकिन स्टिल यूजर के दिमाग में एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि हाँ वो क्यों लेगा। एक तो मेन चीज ये है हमारी ऑडियंस इतनी बड़ी हो चुकी है, काफी अच्छे बॉन्ड बन चुका है हमारा यूजर्स के साथ, तो वो ट्रस्ट फैक्टर अगर मैं कहता हूँ तो मुझे भी सोच समझ के बोलना पड़ता है कि भाई ये चीज मैं प्रमोट ना करूँ, इलीगल चीज प्रमोट ना करूँ जो आजकल मार्केट्स में चल रही है, तो वो चीजें मुझे भी सोच हाँ एक टेलीग्राम और यूट्यूबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके जो यूजर्स हैं और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उस पर ट्रस्ट करें। आई थिंक वो आपने वो ट्रस्ट बिल्ड किया उस चैनल पे, सब्सक्राइबर्स लेकर आए, उसके बाद आपने स्टार्ट किया उसको मोनेटाइज करना। अच्छा निखिल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, राइट, और नॉट जस्ट साइड हसल पर मेन हसल को शिफ्ट करके, तो आपको क्या लगता है कि कैसे किसी को ये स्टार्ट करना चाहिए अपने चैनल पे? और हर किसी को ना एक हिकअप होती है कि मैं अपने पैसे लगाऊं मुझे पैसा नहीं मिले, तो आपको क्या लगता है वो कितनी इन्वेस्टमेंट होती होगी? मेन चीज ये है अगर मुझे एफिलिएट मार्केटिंग चालू करनी है तो एफिलिएट मार्केटिंग ही इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें मुझे जीरो इन्वेस्टमेंट है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। मैंने भी स्टार्टिंग करी, जब मैंने थोड़ा बहुत अर्न कर लिया तब मैंने अपनी होस्टिंग ली, मैंने यहाँ पर अलग अलग चीजें करी तब किया, लेकिन स्टार्टिंग में मेन चीज ये है, मेन फोकस ये करना होता है एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपको करनी है तो आपके पास ऑडियंस बिल्डअप होना चाहिए, मेन चीज ऑडियंस आनी चाहिए। अब ऑडियंस कहाँ से आएगी? अगर मेरा जो टॉपिक जिस पर मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ ऑडियंस को अपनी, वो जेन्युइन होगा या फिर दूसरे से हटकर होगा? अगर आप भी सेम चीज बना रही है, मैं भी सेम चीज बना रहा हूँ, आपका कुकिंग चैनल है, मेरा भी कुकिंग चैनल है, तो मुझे क्यों कोई क्यों देखेंगे? लेकिन अगर उसी कुकिंग चैनल में मैं कुछ हटकर कुछ चीज कर दूं, कोई न्यू डिश बनाकर आपको दिखा दूं, कुछ न्यू चीज कर दूं, तो थोड़ा बहुत इनोवेशन ऑफ कंटेंट। तो सबसे पहले आपको अगर एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो ऑडियंस बिल्डअप करनी होगी। आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, उनसे कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी चीज बाय अप करनी है या कुछ भी परचेज करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम 50-50 कर सकते हैं। मेन चीज यही तो है, एटलीस्ट जो सब ब्रांड रेफर करना या कर सकते हैं कि मैं उनको बता सकता हूँ कि ये चीप प्राइस डील्स चल रही हैं, जिस टाइप से मैंने स्टार्ट किया। मैं अभी भी अपने चैनल पर चीप प्राइस डील्स, डिस्काउंटेड डील्स, लूट ऑफर्स, ये सारी चीजें बताते रहता हूँ, तो ऑडियंस को बेनिफिट अपना होता है कि उसको डिस्काउंट मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं, और मुझे उससे अपनी अर्निंग्स हो रही है एफिलिएट मार्केटिंग की। प्लस जैसे ही आपकी ऑडियंस बिल्डअप हो जाएगी धीमे धीमे, फिर आपको ब्रांड्स के पास नहीं जाना, ब्रांड्स ऑटोमेटिकली आपके पास आ ही जाएंगे। ये मैंने भी देखा, आपको ब्रांड्स के पास नहीं भागना, इधर चला गया मैं उधर चला गया, ब्रांड्स ऑटोमेटिक, अगर आपको लगता है कि आपके में दम है तो आप कुछ भी चीज कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि एफिलिएट मार्केटिंग की भाई जैसे मैंने स्टार्ट किया चीप प्राइस डील्स का, इसी में हो सकती है। आपको सोचना है, लाइक आपने फाइनेंस का चैनल बनाया तो जैसा मैंने आपको कहा कि आप क्रेडिट कार्ड्स, लोन, ये सारी चीजें, इंश्योरेंस, ये पुश कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर आपने किसी हेल्थ रिलेटेड चैनल बनाया जो कि आजकल पॉपुलरिटी में है, तो आपको प्रोटीन पाउडर्स, सप्लीमेंट्स, इनके बारे में बता सकते हैं। मेन चीज ये है आप एफिलिएट मार्केटिंग किसी भी वेबसाइट पर रजिस्टर कीजिए, ठीक है, जैसे आपने रजिस्टर किया वहां पर आपको पे आउट शो हो जाएंगे, आप देखिए कि किस ब्रांड में पोटेंशियल आपको लग रहा है कि जो आप प्रमोट और उसी के बारे में कंटेंट बना के आप उसको मोनेटाइज कीजिए। अब और लेकिन उसमें मेन चीज ये भी, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड में। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उस चीज को बता ही नहीं पाएंगे, आप प्रो नहीं हो पाएंगे उस फील्ड में। आपको प्रो होना पहले जरूरी है, उसके बाद आप अपने ऑडियंस को सलाह दे पाएंगे। अब मैं किसी चीज में प्रो नहीं हूँ, मैं कुछ भी बोलता चला जाऊं, यूजर भरोसा ही नहीं करे। ट्रस्ट फैक्टर सबसे मेन होता है। अगर एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ चीज है, यूजर को ट्रस्ट बनना चाहिए। ट्रस्ट आपकी भी बहुत लर्निंग रही होगी निखिल, तो जैसे आपने जब ये काम किया तो आपको लगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था, तो ऐसी कोई लर्निंग जो बहुत सारे यूट्यूबर्स के लिए हो कि ये करना ठीक है, ये करना नहीं ठीक है, आपकी जर्नी में जब भी आपने कुछ किया और आपको लगा कि पीछे जाके मुझे ऐसे ठीक कर लेना चाहिए था, मुझे आई वांट टू नो अबाउट दैट सक्सेस स्टोरी एंड दोस वेरिफिकेशन यू डिड। मेन चीज ये थी कि स्टार्टिंग के डेज में मैं एक ही जगह पर अटका रह गया था, ये मेरा ड्रॉबैक था कि मैं एक ही जगह रुक गया था, मैंने एक साल उसमें पूरा गवा दिया अपना, ठीक है। तो अगर मैं उसमें कुछ और आइडियाज इनोवेट करता अपने तो आसानी से मैं और इससे भी ज्यादा ग्रो कर लेता, ठीक है, वैसे फिर भी, लेकिन वो चीज अगर हम ठीक कर सकते हैं बाद में भी, ऐसी बात नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग में कभी भी, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि कभी ये खत्म होने वाली नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है
और मेन चीज ये भी रहता है, यूजर कंपेयर कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग से, जो कि बिल्कुल अलग है। मैं आज भी जाता हूँ, अगर मैं किसी को बताता हूँ कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं अरे यार ये वही नेटवर्क मार्केटिंग होगी, मुझे प्रोडक्ट बेचना होगा कंपनी से लेकर, मेरे पैसे फंस जाएंगे, वो हो जाएगा। तो मैं उनको यही बताता हूँ भाई, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कंपनीज की लिंक प्रमोट करनी है, ऑटोमेटिकली यूजर कंपनी की साइट पर ही जाकर पड़ेगा, और वो कंटेंट काफी जेन्युइन होना चाहिए, कनेक्टेड टू यूजर होना चाहिए। इसमें सिंपल मेथड यही है, अगर आपको ग्रो करना है एफिलिएट मार्केटिंग के इस फील्ड में, इस बिजनेस अगर आपको एस्टेब्लिश करना है एफिलिएट मार्केटिंग में, सबसे पहला आपको ऑडियंस होनी चाहिए, ऑडियंस आपने बिल्ट अप कर ली, ट्रस्ट फैक्टर आ गया। इसके बाद आप सिंपल उसी आप कंटेंट उसी चीज़ में बनाइए जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें पे आउट ज़्यादा है, ऑफरिंग ज़्यादा है, इसमें डील्स ज़्यादा अच्छी अच्छी बनकर आ रही हैं, उसी फील्ड के टॉपिक्स को पकड़िए और अपनी उसी में ऑडियंस बिल्ड कीजिए। उसके बाद जिस भी कैटेगरी, काफ़ी सारी कैटेगरी हैं, वास्ट कैटेगरीज हैं, तो उसमें आप ऑडियंस बिल्टअप करके लिंक्स को प्रमोट कीजिए, आपको सिंपल रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आपके पास कुछ रेवेन्यू आ जाएगा, फिर इसके बाद आप एक्सपेंड कीजिए, जैसे कि मैंने किया। एक बार मेरे पास यूट्यूब चल गया, टेलीग्राम से मैंने अच्छी खासी अर्निंग अपनी कर ली, अभी भी चल रही है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी तो सब मैं अपने चैनल के साथ कर रहा हूँ, काफ़ी सारे चैनल से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि चीज़ करना चाहते हैं, तो मैंने फिर सेंकमो एस्टेब्लिश करी अपनी, सेंकमो की वेबसाइट बनाई। जैसे ही वो बना ही, फिर मेरा मेन एम ही ये था कि मैं जैसे मैं खुद अर्न कर रहा हूँ, अदर पब्लिशर्स को भी अर्न करवाऊँ उसके थ्रू। तो उससे देखिए मेन चीज ये है, हर चीज बिजनेस है। अब मैं फ्री की सेवा करने तो बैठा नहीं हूँ, मुझे खुद भी कुछ अर्निंग हो रही होगी ऑब्वियसली, तो मैं अपनी भी अर्निंग कर रहा हूँ, लेकिन एज अ मैं खुद को भी पब्लिशर मानता हूँ, एज अ पब्लिशर मैं बराबर वाला जो मेरे साथ का चैनल है या जो भी है उसको साथ भी ध्यान रखता हूँ कि जितना मैं अर्न कर रहा हूँ तो उसको भी उतना ही अर्न कर रहा हूँ कि उसकी भी अर्निंग बूस्ट हो, क्योंकि भाई मेरा तो चल ही रहा है, मुझे कुछ नहीं जा रहा, मेरा अच्छा खासा चल रहा है, तो उसकी भी अर्निंग बूस्ट। बिल्कुल, एजुकेटिंग अदर्स गिव यू बेनिफिट एट द एंड ऑफ द डे। तो इसके बाद सेंकमो एस्टेब्लिश हुई, मैंने सेंकमो में सारे कैंपेन्स वगैरह लगाए, काफी सारे चैनल्स ज्वाइन हुए, इंस्टाग्रामर्स आए, यूट्यूबर्स आए, ये सारी चीज़ें मैंने देखे। लेकिन फिर उसके बाद मुझे आइडिया आया कि अब ये तो हो गया, ये सब चला रहे हैं और सब मैक्सिमम CPS चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें चला रहे हैं, मेरे पास कैंपेन्स आए CPA वगैरह के या अदर्स, तो फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे प्रमोट किया जाए। तो फिर कैशबैक आया, मैंने सोचा कि क्यों ना एक कैशबैक वेबसाइट भी अपनी बनाई जाए। तो कोविड के बाद मैंने अपनी कैशबैक वेबसाइट स्टार्ट करी 2021 के बाद, ठीक है, जो कि अब वो फुली तरीके से लॉन्च हो चुकी है पैसापति, ठीक है। तो अब 2024 में ही लॉन्च करिए, क्योंकि एक दो साल मैंने उसको इसलिए लॉन्च नहीं किया, थोड़ा फीडबैक लेने के लिए यूजर्स का, या काफ़ी सारी कमियां थी वेबसाइट वगैरह में, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ये लगाया। और मेन चीज़ ये थी कि मार्केट में काफ़ी सारी कैशबैक वेबसाइट्स चल रही हैं, लेकिन उनसे फिर से कुछ ना कुछ अगर मुझे कंपटीशन लेना है, टक्कर लेनी है, तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो वेबसाइट में मैं भी मैंने सिर्फ कैशबैक नहीं लगाया, कम्युनिटी बनाई है, कम्युनिटी में हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मैंने ये इस टाइप के फीचर्स दिए हैं। प्लस मेन चीज़ एक और चीज़ जल्दी ही आने वाली है, वो अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि लेकिन उसमें हम जल्दी ही AI वगैरह भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम नॉट ओनली कैशबैक वेबसाइट, इसमें ये होता है कि अभी कैशबैक वेबसाइट में मेन ड्रॉबैक क्या है, आपको जाना पड़ रहा है कैशबैक वेबसाइट के पास कुछ भी चीज़ आपको अगर कैशबैक देना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कैशबैक वेबसाइट आपके पास आए, अगर मुझे कैशबैक आपको देना है, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि भाई कैशबैक मिल रहा है आप ले लो, अगर मिल रहा है तो ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत, ये अभी प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है मेरा इन पर भी, तो वो जल्दी ही आ जाएगा। इसके अलावा मैंने कैशबैक वेबसाइट करी, फिर एफिलिएट मार्केटिंग में सेंकमो में टेलीग्राम चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स, ये सब तो हैं। फिर मैंने SMS पर भी फोकस किया कि भाई SMS शूट कर सकते हैं हम, ईमेल कर सकते हैं, काफ़ी सारे मैंने ब्लॉग्स वगैरह बनाए, पोस्ट लिखे, मैंने कहा कि भाई यहाँ पर भी तो लिंक्स अगर वगैरह लिख सकती हैं, गूगल पर कोई चीज़ सर्च कर रहा है, तो मैंने नॉर्मल ब्लॉग्स लिखे लाइक टॉप 5 AC डील्स, टॉप 5 रेफ्रिजरेटर डील्स, तो इस टाइप से मैंने ब्लॉग बनाया। या फिर आप ट्रेवल के लिए अगर आप बना रहे हैं तो काफ़ी सारे कैंपेन्स हैं, GoIBIBO, booking.com, इस टाइप से काफी सारे कैंपेन्स हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो बेसिकली चाहे आप एक ब्लॉगर हो या आप यूट्यूबर हो या टेलीग्रामर हो, आप अफिलिएट मार्केटिंग से किसी भी नेटवर्क से कैंपेन लेके वो प्रमोट कर सकते हैं। मेन चीज आपको वो नीश देखनी है, वो कंटेंट देखना है कि किस पर आप फोकस कर रहे हैं। अगर आप ट्रेवल पर फोकस कर रहे हैं तो आप मानेंगे नहीं कि हर चीज में पे आउट है एफिलिएट मार्केटिंग में। आपको लगता है जैसे कि अगर मैं ट्रेवल की बात करूँ तो
ट्रेवलिंग के लिए अगर आप जो कैंपेन्स आते हैं उनमें अगर आप पे आउट देखेंगे तो 5% 10% इस टाइप से होता है समथिंग लाइक दिस. लेकिन आप वो तो देखिए कि उनकी जो ऑर्डर वैल्यू जा रही है, जो वो बुक कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा पड़ी है, कि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ही इतनी ज्यादा हाई है तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली हाई ही जनरेट होगा. जैसे बहुत सारे ब्रांड्स को लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में ना सिर्फ डील्स ही चलती हैं, पर जैसे आपने समझाया आप प्रोडक्ट के बारे में भी बताते हो, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आप उसके बारे में बताओगे कैसे ब्रांड को वो वैल्यू एडिशन होता है कि एक यूट्यूबर और टेलीग्रामर से काम करके कैसे एक ब्रांड को एक वैल्यू मिलती है उसके ब्रांड के लिए. मेन चीज ये है कि ब्रांड का भी जितना फायदा हमारा होता है 50% बेनिफिट ही. या इट्स अ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप. अब ब्रांड को क्या फायदा होगा, वो उसको ये होगा कि अगर आप मेरे पास आई है, ठीक है, अब आप बिल्कुल न्यू है, आपको कुछ आइडिया नहीं है मार्केट कैसा चल रहा है क्या चल रहा है, पहली चीज तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा पाऊंगा मार्केट से कि मार्केट में ये चीज चल रही है, आप मुझे ये चीज बनाकर दीजिए, ये डील बनाकर दीजिए. हाँ, वो जो कंपटीशन एनालिसिस होता है. हाँ, तो वो चीज मेरे लिए भी इजी रहेगा उसको प्रमोट करना और आपको भी अच्छी खासी सेल्स मिल जाएंगी उसमें. तो पहली चीज तो ये रहती है और दूसरी चीज ये है ब्रांड का नेम बनता है, ब्रांड ब्रांड बन जाती है. मेन चीज ये है हमारे थ्रू, क्योंकि हमारा और ऑडियंस का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा है. हाँ, तो आप अवेयरनेस से लेकर कंसिडरेशन से लेकर फिर ऑफर देके पूरा कन्वर्ट कराते हैं, तो बेसिकली पूरा मार्केटिंग फनल कवर करते हैं. सारी चीजें हम कवर कर लेते हैं इसी में. अब प्लस कभी कभार जैसे ये होता है ब्रांड्स भी हमसे कह देती है कि कभी कभार जैसे कि कुछ आप अपनी तरफ से ही कैशबैक दीजिए या कुछ भी दीजिए, कभी कभार ब्रांड्स इतना ज्यादा हमें पे आउट वगैरह ऑफर कर देती हैं जिससे कि या फिर उनको अवेयरनेस फैलानी होती है कि अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो अगर वो डाइल्यूट करना चाहते हैं तो वो इजीली कर लेते हैं. लेकिन उसके थ्रू अगर वो डाइल्यूट भी कर रहे हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होकर मिलता है, क्योंकि ब्रांड्स हमको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए पेबल करेगी न्यू यूजर के लिए, लेकिन हमारा ट्रस्ट फैक्टर वो काम आता है. अगर मैं अपने ऑडियंस को बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट आप ले लीजिए फर्स्ट टाइम के लिए, वो ले लेगा. अब ब्रांड ने पे आउट अच्छा ऑफर करके वो प्रोडक्ट हमने निकाल दिया, यूजर के एंड यूजर तक वो प्रोडक्ट पहुंच गया, लेकिन जो रिपीट यूजर आता है, अगर ब्रांड को लगता है कि क्लाइंट को लग रहा है कि मेरे प्रोडक्ट में दम है, तो वो रिपीट यूजर जरूर आएगा उसके पास, और ब्रांड फिर हमें रिपीट यूजर का पे नहीं कर रहे हैं. तो आप ये बोलना चाहते हैं कि ये एक्विजिशन का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है और बहुत ही फुल प्रूफ तरीका है ब्रांड्स के लिए कि वो बहुत सारे कस्टमर्स, जेन्युइन कस्टमर्स जो रिलेट करते हैं उनके ब्रांड के साथ, वो कर सकते हैं इजीली. अच्छा निखिल, एक बहुत ही एक्साइटिंग है ये सब. आपने इतनी कम उम्र में शुरू कर दिया, आपने बताया आपने 19 साल से, और आप अब से 25 साल के और ऑलरेडी बहुत सारे पैसे कमा रहे हो. तो ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये जर्नी शुरू करी, पर आई थिंक ये जर्नी में ना आपकी बेस्ट लर्निंग क्या है कि दिस इज़ माई बेस्ट लर्निंग, कि मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है, वो लर्निंग और आपका गोल अब क्या है? मेन चीज़ यही है, अगर मैं आपको बताऊं, मेरा इस फील्ड से पहली चीज़ तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, हम बीच में टपक कर आ चुके हैं इस फील्ड में, हमें कोई आइडिया नहीं था इस फील्ड का. अब लेकिन आ चुके हैं तो अब काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को तो मिली गई, लेकिन फिर हमें रियलाइज़ हुआ ये सारी चीज़ें कि वर्क कैसे करते हैं. पहले हमें कुछ आइडिया नहीं था कैसे क्या चीज़ होती है, लेकिन जैसे जैसे हम धीमे धीमे सीखते जा रहे हैं, मैं आपके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, आपकी स्पीचेस देखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों की स्पीचेस वगैरह देखता हूँ, तो मुझे सीखने को मिलता है. अब वो जो चीज़ें मैं सीखते जा रहा हूँ उसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने अंदर, ठीक है. और उसके बाद भाई सीधी सी बात है कि सभी का एम होता है कि अगर आज मैंने 50,000 कमाए, कल मैं 1,00,000 रुपए कमाऊँ, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो कल आगे कुछ और करूँ. अभी मैंने सिर्फ कैशबैक वेबसाइट के बारे में सोचा, मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में सोचा, इसके बाद मैं सोचना चाह रहा हूँ कि अब इससे भी बड़ा, अभी काफी सारे प्लान्स हैं जो कि मैं बता नहीं सकता, रिवील नहीं कर सकता. बिल्कुल बिल्कुल. वो प्रोजेक्ट्स मेरे अभी ऑनगोइंग पे हैं, वो अभी टेस्टिंग फेज में हैं. तो आप एक फुल टाइम गिग बना चुके हो इसको, ये एफिलिएट मार्केटिंग आपका अभी अभी. लेकिन मैं अभी आपको बताऊं कि मेरी टीम में ओनली 5 पीपल्स हैं. वाओ. हां, ओनली मैं, मेरा छोटा भाई और हम 3 पीपल्स. मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि निखिल ऑलरेडी $1 million कमा चुके हैं इस गिग से पिछले 5 साल में. अमेजिंग निखिल, ये बहुत ही अच्छा है. ये है कि अभी मैंने सोच, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अपनी टीम को ज़्यादा बड़ा एक्सपेंड ना करूँ, क्योंकि मैं, अगर आप वेबसाइट भी अगर आप मेरी चेक करेंगे, कुछ भी चेक करेंगे, मैं फुली ऑटोमेटिंग ऑटोमेटेड चीज़ों पर जाना चाहता हूँ. क्या मेंबर्स जितने कम रहेंगे उससे फायदा, देखिए तो एफिलिएट मार्केटिंग टेक्नोलॉजी साथ में मैरी करती है, राइट? हाँ. तो ये चीज़ इससे फायदा क्या होता है, देखिए मेन चीज़ ये रहता है कि जितनी कम मेंबर्स होंगे
तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा होगा। नहीं, अगर प्रॉफिट मेरा ज्यादा हो रहा है तो मैं ब्रांड से कम कॉस्टिंग पर वो कैंपेन को रन करवा सकता हूँ। प्लस एंड यूजर को भी अगर मुझे मान लीजिए कैशबैक देना है, कुछ भी देना है, या कैशबैक मैं नहीं भी दे रहा हूँ, कोई जेन्युइन डील है, कोई बढ़िया डील है, मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो वो इजीली हो जाएगी। तो ब्रांड का फायदा ये होगा कि वो कम कॉस्टिंग में मेरे पास आ जाएंगे। प्लस एंड यूजर का ये फायदा होगा, अगर मैं उसको कैशबैक भी दे रहा हूँ तो ज्यादा कैशबैक मैं उसको ऑफर कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर जितनी बड़ी टीम होगी मेरी, क्योंकि अभी अगर मेरे 5 मेंबर्स हैं मेरी टीम में, तो हम 5 मेंबर्स सुटेबल हैं ये सारी चीजें रन करने के लिए, इजीली हो रहा है, ठीक है। अगर मेरा मन करता है कि भाई मैं कहीं घूमने चले जाऊं, तो मैं अभी मेरे पास इतना टाइम रहता है कि मैं चला जाता हूं कहीं भी। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हो, और कितने घंटे काम करते हो दिन में? मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, सब कुछ मैंने ऑटोमेटेड चीजों पे लगाया हुआ है, तो इतना मैं ज्यादा टाइम फ्री रहता हूं मैं आपको कि अगर मैं वैसे, लेकिन मेरा जो मेन दिमाग चलता है मेरे और मेरे भाई का जो मेन दिमाग चलता है, वो सुबह उठकर चलता है। मैं सुबह 4:30-5 बजे उठकर काम करने बैठ जाता हूँ। बस सुबह मैंने काम किया, उसके बाद 1-2 घंटे मैं काम करूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे की लाइक मुझे जो मेरा डेली रूटीन है, एक्सरसाइज करनी है, वो करना है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ ये सारी चीजें। मेरा सुबह के टाइम पर इतना अच्छा दिमाग चलता है, फिर जो कि जो बिजनेस आवर्स होते हैं लाइक 9 AM 10 AM, फिर उस टाइम मेरा नहीं चलता है। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा, तो आप एक मॉर्निंग पर्सन है जो जल्दी उठ के अपने फोकस करते हैं। मेरा मेन एम यही रहता है कि मैं अपने दोपहर के 1-2 बजे तक अपना सब कुछ फ्री हो जाऊं बिल्कुल। उसके बाद कि मेरा मन कर रहा है यहाँ घूमने चला गया, मैं वहाँ चला गया, तो वो अगर, लेकिन जब कुछ काम आ जाता है लाइक सेल पीरियड है या कुछ है, तो उस टाइम मुझे फोकस करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल डेज की बात करूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि 1 या 2 बजे तक मैं अपने सब कुछ क्लियर कर लूँ सारी चीज़ें। उसके बाद मैं कहीं भी फ्री हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, घर में आराम कर रहा हूँ, फोन चला रहा हूँ या फिर मूवी देखने जा रहा हूँ, तो सब कुछ ऑटोमेट पे चलता है। हाँ निखिल, मुझे जानना है कि आपको कब लगा कि ये बस मेरी फुल कॉलिंग है और ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस, और मैं वो स्ट्रेटजी और एडवांटेजेस आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, हर एक फील्ड में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, लेकिन इस वाले फील्ड में एडवांटेजेस ज्यादा हैं कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस से, तो ड्रॉबैक्स काफी ज्यादा कम है इसमें। अब एडवांटेजेस अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो मैं भी थक जाऊंगा। तो लेकिन काफी सारे फीचर्स हैं इसमें, इस फील्ड में। सबसे पहली चीज कि अगर मैं नॉर्मल जॉब कर रहा होता, तो मुझे सुबह जल्दी तैयार होकर उठकर ब्रेकफास्ट करकर बस 10 बजे जा रहा हूँ, शाम को 6-7 बजे घर में आ रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ करनी पड़ती, ठीक है, वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। मैं इसमें मैं अगर कहीं भी बैठा हूँ, बस मेरे पास मेरे हाथ में मोबाइल होना चाहिए, मेरा लैपटॉप होना चाहिए, बस मेरा काम हो जाएगा। मैं कहीं भी बैठा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं बैठा हुआ, बस मोबाइल नेटवर्क आ रहे हैं, नेट चालू, मेरा काम हो जाएगा इजीली। मुझे 9-to-5 जॉब नहीं करनी पड़ेगी इस चीज़ में। सेकंड चीज़ ये है कि मैं टाइम दे पाता हूँ इजीली, प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, 0 इन्वेस्टमेंट है आपको कुछ भी इन्वेस्ट। सबसे जो मेन चीज़ अगर एक नॉर्मल इंडियन के दिमाग में आती है, अगर उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी चीज़ करनी है, तो वो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आती है कि पैसा डालना पड़ेगा, उसका आरओआई कब आएगी। हाँ या कि मैं अगर आज अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कब उसका रिटर्न मिलेगा, तो वो इसमें 0 इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको रिटर्न मिलता है तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तो भी बढ़िया है, क्योंकि आपका कुछ भी जा नहीं रहा है इसमें। पर एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ना इसको, आपको कितना टाइम लगा कि वो आपकी फर्स्ट अर्निंग आई? हाँ, कंसिस्टेंसी चाहिए, मुझे लगभग 1-1.5 साल लगे। मुझे भी घर में सब कहते थे कि भाई तू ये कर क्या रहा है, ठीक है, कि ये मत कर, जॉब कर ले, क्योंकि जब भाई मेरी बीटेक कंप्लीट हुई, सारी चीज़ें कंप्लीट हुई, तो घर वाले भी कहते हैं कि भाई जॉब कर ले, कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी, वहाँ से आ जाएगी। लेकिन हाँ, घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, मैंने कहा था कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे करने दो। और आप सिर्फ 19 साल के थे तब? हाँ, मुझे रूम पर अपने कमरे में बैठे रहने दो, ठीक है, अच्छा है, सुबह हो रात हो, मुझे करने दो, ठीक है। और बस मेरे पास मेरा मोबाइल था, एक छोटा सा कंप्यूटर था मेरे पास जिसमें Windows 7 चलती थी। तो वो चल रहा था, तो उस टाइम भी Windows 7 फ्री में चलती थी, तो इसलिए मैं अपग्रेड नहीं कर रहा था, मैंने वो चल रही है चलने दो। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे मैंने डाला, 1-1.5 साल हुई, तो मेरी, अगर मैं आपको बताऊं, अगर 2017 में मैंने, जहां मैं आपको बता रहा हूं, स्टार्ट किया था, तो मेरी जो फर्स्ट अर्निंग आई थी वो 6,000 रुपये आई थी, बस वो 6,000 रुपये, वो भी 1 साल के बाद आई थी, तो वो मेरी 1 साल की पूरी अर्निंग थी 6,000 रुपये, ठीक है। तो उस 6,000 में से
मैंने, मुझे आज भी याद है, वो 6,000 में से 100 रुपए का नोट में एटीएम से विड्रॉ करके आया था। फर्स्ट मैंने 100 रुपीज निकाले थे, वो 100 रुपीज मैंने आज भी वो एनवलप में रखे हुए हैं। बिल्कुल करेंसी नोट है बिल्कुल, तो वो आज भी मैंने अपने पास संभाल कर रखा हुआ वो वाला नोट, कि मुझे याद रहे कि भाई ये पहला 100 रुपए की मेरी कमाई आई थी, मैंने अर्न किया था। इसके बाद जो भी था वो मैंने आज तक खर्च नहीं करे, अभी भी मेरे पास रहे। और वो फिर मल्टीप्लाई होता रहा और आज आपने इतनी अपनी कंपनी बनाई। धीमे धीमे, बस मेन चीज ये है कि हमारे पास आइडियाज होने चाहिए, क्योंकि मेन किसी भी चीज में ग्रो करना है, कि आज इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, आपको भी पता है, अगर मुझे किसी फील्ड में ग्रो करना है तो मेरे जैसे 10 पहले से ही मेरे आगे लाइन में लगे हुए हैं, अगर मुझे उनको जंप मारना है 10 को, तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज करनी ही पड़ेगी। तो वही चीज है, कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, वो मैंने अलग सोचा, ठीक है। और अभी भी मैं काफी चीजें नहीं सोच पाया हूँ, जो कि मैं देखता हूँ कि अलग अलग लोगों को देखता हूँ कि वो मुझसे बेटर कर रहे हैं, तो मैं उनसे उनकी वो चीजें सीखता हूँ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ अपने भाई के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, कि कैसे हम ये चीज भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो वो चीज फोकस करनी पड़ती है, और मेन चीज यही है, फोकस सबसे मेन है। अगर आप कुछ चीज कर रहे हैं तो एक ही चीज पर लगे रहिए कंसिस्टेंट। अगर मैं, मेरा डील्स का चैनल था, जिस भी चीज का आपका चैनल है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो एक ही टॉपिक पर लगे रहिए। आपको लगता है कि भाई व्यूज नहीं आ रहे हैं, ऑडियंस नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही, एक कोई ना कोई की वीडियो होती है आपकी जो कि वो एकदम से वायरल होती है, वो 10 को लेकर होती है, फिर वो एक बार जैसी वो वायरल हुई, और वायरल होना रातों रात हो जाती है, बस आपको अपना कंटेंट देखना पड़ता है कि वो फोकस रही है। आप 10 चीजें मत कीजिए कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, पहले एक चीज ग्रो हो जाए, फिर दूसरे पे, अब आपको लगता है ये वेल सेटल्ड हो चुकी है ये चीज, अब मैं दूसरी चीज कर सकता हूँ, तो तब मैंने दूसरी चीज स्टार्ट करी। अगर मैं पहले से कुछ गलतियां हुई, ये भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि मेरे से भी कुछ गलती हुई स्टार्टिंग में, मैंने ये भी स्टार्ट कर लिया, वो भी स्टार्ट कर लिया, 2-3 चीजें एक साथ कर ली थी, फिर मुझे वो चीजें बंद करनी पड़ी, क्योंकि वो चीज मेरी चली नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस ही नहीं हो पा रहा था, और मैं जिस चीज पर मेरा मेन डिमांड आ रही थी यूजर्स की, उस पर मेरा फोकस नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने देखा कि हाँ, और मेन चीज यूजर का फीडबैक आप लेते रहिए टाइमली। अगर मैं भी सब कुछ यूजर ही है, जो आज मैं इस जगह बैठा हुआ हूँ ना, तो वो यूजर ने मुझे बैठाया हुआ है, मेरी ऑडियंस ने बैठाया हुआ है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं था। अगर मैं उनके साथ थोड़ी भी चीट कर लेता हूँ, थोड़ी भी चीटिंग कर लेता हूँ, तो वो भाई मैं तो अपना रेवेन्यू जनरेट कर लूंगा, लेकिन उसके साथ जो लॉस होगा। आज भी मैंने अपना बॉट बनाया हुआ है टेलीग्राम्स वगैरह पर, जहां से मैं यूजर से फीडबैक लेता रहता हूँ। दैट्स सो नाइस। किसी भी बिजनेस में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है एथिकल, बीइंग एथिकल एंड ट्रू टू योर कंज्यूमर और टू योर यूजर, व्हिच इज अमेजिंग। अगर मैं एक और चीज बताऊं, जैसे कि मुझे कुछ चीज करनी भी होती है, लाइक अगर ब्रांड से मुझे पेड डील मिली भी है, तो मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूँ अपने यूजर्स के साथ कि ये मुझे पेड प्रमोशन है, अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है तो आप लीजिए, मैं उसके लेकिन फीचर सब कुछ बताता हूँ। और पेड डील भी मैं तभी करता हूँ कि जब ब्रांड मुझे लग रहा है कि ये काफी जो चीज ऑफर कर रही है वो बढ़िया चीज ऑफर कर रही है, यूजर का इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, तब मैं यूजर के पास वो चीज लेके जाता हूँ। तो इससे देखिए ट्रस्ट फैक्टर क्या बना, कि मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि पेड डील है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ले सकते हैं। तो यूजर बॉट मुझे बॉट पर आकर मैसेज करता है कि भाई आपने ये चीज बहुत अच्छी करी, हमें बता दी ये चीज अच्छी लगती है। मैंने पर्टिकुलरली अपना एक मेंबर को बॉट पर लगाया हुआ है कि अगर कभी कभार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो उसको लगाया हुआ है कि यूजर अगर मैसेज आया है तो विद इन 5-10 मिनट्स में मैक्सिमम टाइम उसको रिप्लाई मिल जाए इंस्टेंटली। वाओ। हाँ, क्योंकि अगर लाइक कभी कभार ऐसा टाइम हो जाता है कि भाई लेट रिप्लाई हो रहा है, लेट रेस्पॉन्स आ रहा है, 1-2 घंटा, लेकिन ज्यादा डिले मैं नहीं करता। मेरे पास मेल्स भी आते हैं तो मेल का भी मैं ट्राई करता हूँ, जितनी मिसिंग्स आते हैं आपने देखा होगा एफिलिएट मार्केटिंग में मिसिंग्स भी आते हैं, क्योंकि भाई लिंक्स में कहीं ना कहीं यूजर एक बार में पूरा प्रोसेस नहीं कर रहा है। मेन इश्यू ये भी आते हैं यूजर को बताने के लिए कि आपको जो प्रोसेस करना है वो लिंक के थ्रू एक कंसिस्टेंट वे में करना है, आप बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं उसको। कभी कभी कुकीज सेव नहीं हुई, किसी ने एड ब्लॉकर्स लगा रखे हैं, काफी चीजें ऐसी लगा रखी हैं जिसकी वजह से वो चीज एंड वहां तक नहीं पहुंच पाई है, वो ट्रैक नहीं हो पाया। तो अगर मेरे पास मिसिंग्स आती है तो मैं मिसिंग्स का ट्राई करता हूँ कि यूजर का जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दूं विद इन 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स में। उससे बेनिफिट ये होता है मेरा कि एक तो ये होता है कि चलिए हम मेरे पास मिसिंग्स आई है, मैं क्लाइंट को भेज दूंगा मिसिंग्स, तो वो तो ट्रैक हो ही जाएगा, मुझे पता है। लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा डिले करता हूँ 1-2 दिन
तो यूजर क्या कर सकता है, ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है. एग्जैक्टली exactly. तो उससे ये रहता है कि ब्रांड को भी लॉस होगा थोड़ा बहुत कि भाई यूजर जा रहा है उसकी तरफ से. ठीक है, तो अगर मैं 5 to 10 minutes में उसका ट्रैक कर देता हूँ तो यूजर को ट्रस्ट ये बन जाता है कि मैंने अभी मेल किया, 5 to 10 minutes में मेरे पास रिप्लाई आ गया, मेरी इंस्टेंटली जो इश्यू था वो सॉल्व हो गया और बस सब कुछ हर तरीके से ये फायदा हो जाएगा. तो मैंने पर्टिकुलरली अपने एक मेंबर को, और सिर्फ वो ही नहीं, मैं मैक्सिमम अपना फोकस यूजर्स पर करता हूँ. मेरा जो मेन काम है, अगर मैं आज भी अगर सेंटमो पैसा पति कुछ भी चला रहा हूँ तो मेरा मेन एम यही रहता है, मैं अपने यूजर्स के साथ बॉन्ड बनाकर रखता हूँ. तो बेसिकली किसी भी यूट्यूबर और टेलीग्राम के लिए ट्रू टू देयर यूजर्स और उनके साथ कनेक्टेड होना, उनको सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा निखिल, एक बात बताइए कि सबकी लाइफ में एक जर्नी में एक बंदा होता है जो उनको इंट्रोड्यूस करता है, यू लुक अप टू दैट पर्सन कि हाँ इस बंदे ने मेरे को ये सक्सेस स्टोरी में बहुत बड़ा योगदान दिया है. तो आपकी लाइफ में वो कौन है ऐसा इंसान? मेरी लाइफ में मेरा छोटा भाई ही है, मैं जेन्युइनली कहूँगा. वो भले ही अपना फेस नहीं दिखाता है लेकिन मेरे पीछे वो हमेशा खड़ा रहता है कि कुछ भी अगर इशू आता है, चाहे वो टेक में हो, फाइनेंस में हो, किसी भी चीज़ में इशू आता है, या फिर अगर मुझे कुछ चीज़ मैंने कह दी कि ये पॉइंट है, ये चीज़ बनानी है मुझे, आज शाम तक ये चीज़ मिल जानी चाहिए, वो अभी लैपटॉप चालू किया, बस खोला, लग गया काम पर, और मुझे शाम से पहले वो चीज़ बनाकर मेरे आगे रख देगा कि ये चीज़ लो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, मैं उसको ऑलराउंडर मानता हूँ. सबसे मेन रोल ही उसी का है, 60-70% रोल उसी का है. मेरा तो बस मेन चीज़ ये है, मेरी फेस आ रहा है. मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि मेरी बस फेस वैल्यू बन रही है कि मैं सामने आकर बता पा रहा हूं, लेकिन मेन मेरी जो सक्सेस स्टोरी के पीछे जो हाथ है सबसे बड़ा वो उसी का है, जो कि वो बता रहा है सारी चीज़ें, वो जो सारी चीज़ें बना रहा है. कुछ भी कहीं पर भी मुझे अगर इशू आता है तो बस हम दोनों मिलकर बैठते हैं कि भाई ये इशू आया है, लैपटॉप चालू किया, पहले सोचेंगे कि करना क्या है, थोड़ी बहुत YouTube की वीडियोस वगैरह देखी, क्योंकि ये सब कुछ YouTube पर अवेलेबल है. अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपको स्टार्ट करनी है, कुछ भी करनी है, काफ़ी ज़्यादा लोग बताते हैं कि भाई मेरा कोर्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, फालतू 5,000 रुपये का कोर्स है. अगर वही कोर्स ही बेचना है आपको तो आपने खुद को क्यों नहीं ग्रो कर लिया, अगर आपको आता ही है तो इतना आप खुद ग्रो कर लीजिए बस. ठीक है, और अगर सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, मैंने भी अगर स्टार्ट किया है कुछ भी चीज़, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, आपको कुछ भी चीज़ लेने की जरूरत नहीं है, किसी का कोर्स वगैरह, आप डायरेक्ट जाइए यूट्यूब पर. अगर आप, आई थिंक बेस्ट लर्निंग इज प्रैक्टिकल लर्निंग, खुद अपना चैनल स्टार्ट करो, उस पर काम करना शुरू करो, अपने आप लर्निंग बनती रहती है. चीज ये है, ऑडियंस जो भी है वो आपको बताएगी. कोई कोई यूजर आया वो आपके पास नेगेटिव कमेंट कर रहा है, तो वो आपको नेगेटिव कमेंट जो कर रहा है वो आपकी कमी ही बता रहा है कि आपके अंदर ये चीज नहीं है, आप इसको सुधारिए, जिससे कि आगे वो ना बोल पाए. अगर मैंने उसको ग्रो कर लिया अपने आप को उस चीज में, तो वो जो नेगेटिव पीपल है वो पॉजिटिव में मेरा इजिली कन्वर्ट हो जाएगा. राइट, वेरी नाइस निखिल, आपकी जर्नी जान के बहुत ही एक्साइटमेंट हुई है, और आई थिंक विद इन 5-6 years आपने अपनी कंपनी बना लिया है, आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और उसके बारे में और भी सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है. अब मैं आपसे एक रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत सारे. तो आर यू अ नाइट पर्सन और अ मॉर्निंग पर्सन? मॉर्निंग पर्सन. और आपकी, अगर आपको चूज करना हो फेवरेट 3 celebrities जो जिसके साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग का डिस्कस करना चाहेंगे, वो कौन है? 3 celebrities, पहली चीज तो अगर मैं जनरली बताऊं मैं अपने आप को ही प्रेफर करूंगा सेल्फ मार्केटिंग के लिए. सेल्फ मार्केटिंग सबसे बेस्ट होती है क्योंकि मुझे उसमें कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ रहा, मेरा पूरा प्रॉफिट पैसे मेरे पास ही रहेंगे. लेकिन अगर मैं बताऊं तो मैं एक ऋतिक रोशन को लेना चाहूंगा. ऋतिक रोशन की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स वगैरह अपनी बनाई हैं. सेकेंडली मैं किसी एंटरप्रेन्योर को ही लेना चाहूँगा, जस्ट लाइक यू. हाँ नहीं, उससे ये रहता है कि किसी की जर्नी बताना, कि अगर मैं आपकी जर्नी बता रहा हूँ एंड यूजर को, तो वो ज़्यादा बॉन्ड बन जाता है. एज अगर मैं किसी सेलिब्रिटी को भी लगा रहा हूँ तो उसकी फेम है, मैं जानता हूँ कि उसकी फेम है, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा जो इजीली हमारे थ्रू कनेक्शन बन जाएगा. एंड थर्ड अगर मैं कहूँ किसी सेलिब्रिटी के, नहीं तो फिर मैं किसी पॉलिटिशियन को रखूँगा. नाइस. अच्छा, और अगर मैं आपसे पूछूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग, आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, आप, मैं समझ पा रही हूँ, पर उसके अलावा अगर आपको कोई हॉबी या कोई करियर चूज करना पड़ता तो आप क्या करते? तो मैं फिल्मिंग में जाना चाहूंगा. मैं एक्टर बनना चाहते हो? यस.
एक्टर एक्टर बनवा लो, साइड रोल दिलवा लो, कुछ भी दिलवा लो, मैं रेडी हूँ उसको करने के लिए. ओके, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच निखिल, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. आई थिंक बहुत सारे ऑडियंस में लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं हम ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन का ज्ञान आपसे ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू नेहा, आपने मुझे बुलाया अपने इस पॉडकास्ट में, बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे भी बात करने में, काफी ज्यादा मैंने अपने थॉट शेयर करे, कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने. तो मुझे भी काफी ज्यादा मजा आया, ये भी मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मजा आया सब. चलिए, वेरी नाइस, थैंक यू. थैंक यू सो मच. और असेंबली ट्रेवल के तरफ से आपके लिए एक वंडरफुल गिफ्ट है, आई होप यू ट्राई दीज प्रोडक्ट. थैंक यू सो मच नेहा, इतना बढ़िया गिफ्ट देने के लिए. और वैसे असेंबली कैंपेंस मैंने भी बहुत रन करे हैं. ओह यस, उनका अपने कैंपेन चलाते हैं.